अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार इलायची और सौंफ की चाय, जो कि बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। और इसे आप एक दफ़ा बनाएंगे और आप इसका बार बार पीने को दिल चाहेगा। और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है, हाफ लीटर लिया है मैंने दूध, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चाय की पत्ती। और मैंने दूध बॉईल नहीं किया, ये मैंने सिर्फ फ्रेश दूध लिया है और इसी के मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि जो फ्रेश दूध का जायका बहुत अच्छा आता है। और इसी में साथ हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब, हम इसमें लेंगे सौंफ, बारीक सौंफ लिया मैंने, आप मोटी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने इसमें 4 अदद ली हैं इलायची, और इस तरह मैंने इनके मुंह खोल लिए हैं। और इसे हम अब अच्छे से हिला देते हैं। और अब हमें जब तक इसमें बॉयल अभी आया नहीं है, और हम इसमें सार डाल देते हैं चीनी, और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैं इसमें 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ चीनी। और अब हम इसे अच्छे से बॉयल आने तक अच्छे से इसे पका लेते हैं। और ये चाय में बहुत अच्छा सा बॉयल आने लगा है, और इसे अब हम चलाते रहेंगे ताकि इसका पत्ती का और जो इसे इलायची हमने और सौंफ डाली है, बहुत अच्छा सा उसका फ्लेवर आ जाए। और इसी तरह हम चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। और इस तरह चलाते हुए इसमें देखिए बॉयल बहुत अच्छा सा आ चुका है, और इसे साइड में चाय चिपक जाती है, इसे भी हम इस तरह करके इससे हटा लेते हैं पवे की मदद से। और ये बहुत अच्छा सा चाय में उबाल आ चुका है, और इलायची की और सौंफ की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सी। और अब तकरीबन हम इसे बहुत ही आहिस्ता चूल्हे पर 5 मिनट इसे हम और पका लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार सी चाय हमारी रेडी हो चुकी है, और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार सी सौंफ और इलायची की चाय तैयार हो चुकी है, आप भी अपने घर में ट्राई करें, बहुत मज़े की और बहुत अच्छी सी खुशबूदार चाय बनके तैयार हो जाती है। और मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।